स्मार्ट सिटी के फंड को लेकर छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने इस बार स्मार्ट सिटी के तहत आने वाले नवा रायपुर के लिए कोई राशि जारी नहीं की। केंद्र के इस फैसले से राज्यों की कई योजनाओं को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के फंड में जमकर बंदरबांट हो रही है। स्मार्ट सिटी के फंड को लेकर एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार में तकरार शुरू हो गई है। दरअसल इस साल केंद्र ने स्मार्ट सिटी नवा रायपुर के लिए कोई राशि जारी नहीं की है। रायपुर शहर की स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र ने 93 करोड़ रुपए जारी किए। नवा रायपुर भी स्मार्ट सिटी घोषित है। पिछले साल 216 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया, इस बार कोई फंड जारी नहीं किया गया। नवा रायपुर में बसाहट तेज करने के लिए राज्य की कोशिशों को धक्का लग सकता है। रायपुर देश का इकलौता शहर जहां स्मार्ट सिटी के दो मिशन एक साथ चल रहे हैं। रायपुर और बिलासपुर के बाद अंतिम चरण में नवा रायपुर को भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इस मामले को लेकर विपक्ष का कहना है कि स्मार्ट सिटी के फंड में हो रही बंदरबांट और कमीशन खोरी की वजह से केंद्र सरकार ने राशि पर रोक लगाई है। स्मार्ट सिटी के एरिया के बाहर उन पैसों को खर्च किया जा रहा है, उसकी बंदरबांट की जा रही है। खाली उसमें कमीशन खाने का खेल किया जा रहा है। जो वास्तव में ठोस काम होने चाहिए वो ठोस काम अब स्मार्ट सिटी में गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना है, उस योजना को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। स्मार्ट सिटी में शहर की हर व्यवस्था को स्मार्ट करने की पुलिसिंग, स्मार्ट पुलिसिंग की व्यवस्था है, स्मार्ट पुलिसिंग की जगह ये थाने बना रहे हैं। तो जो सुविधाएं स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए दी जानी चाहिए उसकी बजाय खाली इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्रीट का जंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। रविंद्र चौबे का कहना है कि केंद्र की मानसिकता ही राज्य की राशि रोकने की है और इस मंशा की जितनी निंदा की जाए वो कम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र को फंड को लेकर कोई शंका है तो केंद्र टीम भेजकर जांच करवा सकती है, लेकिन राशि न रोके। मुझे लगता है कि केंद्र की मानसिकता ही छत्तीसगढ़ सरकार को पैसे देने से रोकने का है, तो उसमें आप कुछ कह नहीं सकते। छत्तीसगढ़ का हिस्से का 21,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने रोका हुआ है, अब स्मार्ट सिटी के नाम से भी रोकने का प्रयास कर रही है। हम किसानों को जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना देते हैं उसको केंद्र सरकार बोनस मान करके हमारा किसानों का पूरा पैसा रोक रही है, लेकिन हम अपने संसाधनों से सब कुछ कर रहे हैं। जहां तक स्मार्ट सिटी का सवाल है, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम हो रहे हैं। अब केंद्र सरकार अपनी टीम भेज के जाँच करा ले, लेकिन राज्य के हिस्सेदारी को रोकने का काम अगर केंद्र सरकार कर रही है तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हालांकि राशि रोके जाने पर कोई आधिकारिक कारण सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार 216 करोड़ के फंड का अभी तक पूरा इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। मामला स्मार्ट सिटी मिशन की फंडिंग की गाइडलाइन के दायरे में आ गया है, जिसके चलते राशि रोकी गई है। गाइडलाइन में ये साफ है कि पुराना फंड खर्च नहीं होने पर नए फंड के लिए संबंधित सिटी को अयोग्य माना जाएगा। ऐसे में देखना ये होगा कि इस मामले पर केंद्र अब क्या रुख अख्तियार करता है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।